और दोस्तों आज का जो एपिसोड है वो है अरुण एक्सप्लेन्स का। इसका मतलब अरुण आपको एक्सप्लेन करता है दोस्तों कोई भी चीज स्मार्टफोन के बारे में हो जो आपको ज्यादा पता नहीं है या फिर ज्यादा लोगों को पता नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टोरेज टाइप के बारे में। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि ये स्टोरेज टाइप जो है रैम प्रोसेसर कैमरा जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही स्टोरेज कौन से टाइप का है ये इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको सब कुछ। वैसे दोस्तों स्टोरेज टाइप के डिटेल्स बताने से पहले आप अगर इधर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन को बजा ही दीजिए। तो स्टोरेज टाइप क्या होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपने ये नाम भी सुने होंगे दोस्तों EMMC, UFS 1.0, UFS 2, UFS 3। बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं UFS 3 जो है वो लेटेस्ट है, EMMC जो है वो ओल्ड है। इसकी वजह से रीड राइट स्पीड जो होता है आपके स्टोरेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 64 GB है, 128 GB है, 256 GB है, वो टाइप कौन सा है, EMMC है या UFS है या UFS का भी कौन सा वर्जन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आजकल जो स्मार्टफोन्स आते हैं आप लो एंड के लीजिए या फिर मिड रेंज के वगैरह लीजिए, ये सब जनरली EMMC पे होते हैं। अगर आप फ्लैगशिप लेवल के लोगे तो ये UFS 1.0 या फिर UFS 2.0 इसके ऊपर भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स आए हुए हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो है UFS 3.0 एंड दैट इज द फास्टेस्ट। जी हाँ, गैलेक्सी फोल्ड में UFS 2.1 या फिर UFS 3.0 आने वाला था, इनफैक्ट है, लेकिन आपको तो पता ही गैलेक्सी फोल्ड का क्या हुआ। वैसे उस हिसाब से OnePlus 7 Pro जो है वो सबसे पहला फोन होगा जो UFS 3.0 पे है और इसके बहुत बड़े फायदे हैं। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। स्टोरेज टाइप जो एक कंप्यूटर में होता है या फिर लैपटॉप में होता है वो है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव आपको पता है बहुत फास्ट होता है, वैसे ही स्मार्टफोन में भी EMMC है एंड UFS है। तो UFS इज इक्वल टू SSD इक्विवेलेंट मैं कहूंगा, और HDD जो पुरानी टेक्नोलॉजी है दैट इज इक्विवेलेंट टू EMMC। अब ये UFS जो है ये फास्ट क्यों होता है और EMMC स्लो क्यों होता है, बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले बोल दूं कि EMMC जो है वो हाफ ड्यूप्लेक्स होता है कि एक टाइम पे रीड कर सकेगा या फिर राइट कर सकेगा, दोनों एक टाइम पे नहीं कर सकेगा। व्हेयरएज UFS स्टैंडर्ड जो है या फिर स्टोरेज टाइप जो है वो फुल ड्यूप्लेक्स होता है, एक ही टाइम पे आप रीड भी कर पाओगे और राइट भी कर पाओगे। दूसरा डिफरेंस EMMC और UFS में होता है कमांड क्यू फीचर। दोस्तों समझिए आप कुछ कॉपी कर रहे हो, एक 25 फोटोज कॉपी कर रहे हो, अब 10 फोटो होने के बाद अगर आपको कैंसिल करना होगा वो जो क्यू होता है पूरा 25 फोटोज का, तो आप EMMC पे नहीं कर पाओगे क्योंकि वो क्यू खत्म होने के बाद ही जो करना है वो कर पाओगे। वेयर एज UFS पे 10 फोटोज होने के बाद कैंसिल कर पाओगे, वो 10 फोटोज कॉपी हो जाएंगे बाकी के कॉपी नहीं होंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, स्पेशली स्मार्टफोन्स पे आप जब करते हो, बीच में ही कोई बड़ी फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो बीच में कैंसिल करना है तो आप कर पाओगे। अब दोस्तों थोड़ा UFS के बारे में, UFS में भी अलग अलग टाइप्स है, UFS 1.0, UFS 2.0, 2.1, UFS 3.0। अब UFS 1.0 जो है वो आया था कुछ 2011 में, 8-9 साल पहले। उसके बाद में आया UFS 2.0 जो 2013 में आया, उसके बाद में आया UFS 2.1 जो आया 2016 में, और अभी आया है UFS 3.0 विच इज द फास्टेस्ट। और दोस्तों और एक कॉम्प्लिकेशन है, आपका जो प्रोसेसर वगैरह होता है, जैसे अगर फ्लैगशिप प्रोसेसर आप लोगे एक 1.5 साल पहले वाले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835, वो भी UFS 3.0 को नहीं सपोर्ट करते या फिर UFS 2.1 को भी नहीं सपोर्ट करते थे। अब धीरे धीरे जो लेटेस्ट प्रोसेसर आते हैं वो इस स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट होने के बाद ही एक स्मार्टफोन में आ सकता है लेटेस्ट UFS टाइप या फिर UFS 3.0 या UFS 2.1। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि मिड रेंज में कब आएगा, तो जब प्रोसेसर सपोर्ट करने लगेंगे उस स्टोरेज टाइप को तभी आपके जो फोन्स हैं उसमें आएगा। एंड मुझे नहीं लगता है कि एनी टाइम सून, एटलीस्ट 1-1.5 साल या फिर 2 साल के बाद आपको जो मिड रेंज के फोन्स हैं उसमें UFS 2.1 या फिर UFS 3.0 दिखेगा, तब आपके रीड एंड राइट स्पीड्स फास्ट होंगे। चलिए बात करते हैं एक्चुअल रीड राइट स्पीड्स के बारे में। अगर EMMC का आप रीड स्पीड देखोगे तो 300 Mbps के करीब आता है, 280 वगैरह। अगर UFS 2.0 का देखोगे तो कुछ 550 Mbps तक आता है, और UFS 2.1 का जो है वो कुछ 750 Mbps के करीब आता है। सो लेटेस्ट जनरेशन का है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोस्तों वही आप UFS 3.0 का रीड स्पीड देखोगे तो गैलेक्सी फोल्ड में फॉर एग्जांपल कुछ 2200 Mbps
2 GBPS के करीब आता है। OnePlus 7 Pro के कुछ स्पीड्स निकले हैं उसमें बता रहा है कि कुछ 1800 Mbps या 1400 Mbps है। सो द स्पीड डिफरेंस इज नियरली 3 times ऑफ UFS 2.1। सोचिए कितने फास्ट आपका जो भी ऐप होगा या गेमिंग होगा कितना फास्ट होगा। अब चलिए बात करते हैं राइट स्पीड्स के बारे में। दोस्तों EMMC का राइट स्पीड 100 Mbps से भी कम है। अगर आप UFS 2.0 या फिर 2.1 का लोगे तो अराउंड 150 Mbps का राइट स्पीड आता है, लेकिन UFS 3.0 का देखोगे तो गैलेक्सी फोल्ड में बेंचमार्क्स के हिसाब से कुछ 1800 Mbps राइट स्पीड आया है। सोचिए 150 Mbps किधर, 1800 Mbps किधर। OnePlus 7 Pro के भी कुछ राइट स्पीड्स आए हुए हैं जिसमें UFS 3.0 है, वो दिखाता है कुछ 350, 400, 450 Mbps। तो इतना डिफरेंस है, इमेजिन। दोस्तों मुझे पता था इसलिए एक छोटा सा रिमाइंडर, दैट्स इट। और दोस्तों फास्ट स्पीड के फायदे बहुत ज्यादा हैं। आपको तो पता होगा अगर आप पबजी वगैरह खेल रहे हो, फोर्टनाइट खेल रहे हो, तो बहुत ज्यादा रीड राइट होता है, इसकी वजह से आपका जो गेम है वो फास्ट होता है। मल्टीटास्किंग जब आप कर रहे हो, फाइल्स इधर से उधर कॉपी कर रहे हो, तो इट विल बी 5 times फास्टर। अगर UFS या फिर EMMC पे होगा तो आपको जिधर 10 मिनट लगेंगे, नॉर्मल UFS 3.0 पे 1 मिनट से भी कम लगेगा। हर ऐप आपका फास्टर लोड होगा। इसका मतलब दोस्तों ये जो स्टोरेज टाइप, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, स्टोरेज टाइप इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आपका प्रोसेसर या फिर रैम कितनी भी ज्यादा होने दो, अगर स्टोरेज टाइप स्लो होगा तो फिर भी ऐप लोड स्लो होगा। गेम्स जो है रीड राइट वो बॉटलनेक हो जाएगा, रीड राइट जो होता है। दैट्स व्हाई स्टोरेज टाइप इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वैसे दोस्तों UFS स्टोरेज के बहुत सारे दूसरे फायदे भी हैं। UFS जो है वो ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हो बहुत कम हो उधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन अगर EMMC होगा तो शायद आपका फोन ही बंद हो जाए। बिकॉज हायर टेम्परेचर अगर 40 डिग्री के ऊपर चला गया, 45 डिग्री गया या फिर -40 पे आ गया, देन EMMC विल हैव प्रॉब्लम्स, UFS विल नॉट। और दोस्तों UFS सिक्योर भी होता है। जी हाँ, एक अलग सा पार्टीशन होता है UFS में जहाँ पे आप आपका जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जैसे बैंक डिटेल्स या फिर बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह वो स्टोर करके रख सकते हो। EMMC में ऐसा कोई पार्टीशन नहीं होता है, बट UFS में होता है, जिसकी वजह से आपका जो स्टोरेज है वो एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई हैकर आ गया आपके फ़ोन के अंदर, कुछ एक्सेस कर रहा है, तो UFS होगा तो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा सिक्योर होगा आपका। वैसे दोस्तों अब आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है, आपके फोन के ऊपर कौन सा स्टोरेज टाइप है। अगर आपको पता नहीं है तो एंड्रो बेंच नाम का एक ऐप है जो आप इंस्टॉल कीजिए और आपका जो रीड और राइट स्पीड है वो टेस्ट कीजिए। वो ये भी बताएगा कि भाई कौन सा स्टोरेज टाइप है। लिंक उस ऐप की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बिल्कुल मत भूलिएगा आपके फोन का रीड और राइट स्पीड हमें बताना कमेंट सेक्शन में। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि स्टोरेज टाइप कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप जब कोई नया फोन लोगे तो स्टोरेज देखना मत भूलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप प्रोसेसर, रैम, कैमरा, डिस्प्ले के पास देखते हो, वैसे ही स्टोरेज टाइप के पास भी देखना जरूरी है। चलिए दोस्तों आज के हमारे अरुण एक्सप्लेन्स के वीडियो में इतना ही। वैसे आप हमें ये भी बताइए और कौन से चीजें हमने लेनी चाहिए अरुण एक्सप्लेन्स इस एपिसोड में। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।